अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। और दोस्तों आज बहुत प्यारा मौसम था, बारिश वाला, और आज नए घर में पहली दफ़ा हमारे घर में पकौड़े बन रहे थे। और ज़ुहेब दानिश की फरमाइश पे ज़ुहेब दानिश कहने लगे मम्मा हमें पकौड़े खाने, तो बस आज हम लोग पका रहे थे पकौड़े। और बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, जहाँ बन रही थी मेरी मज़ेदार सी चाय, और जो तो बहुत मज़ेदार बने थे आज पकोड़े। और दोनों बच्चे देख रहे हैं अपने बर्ड्स को, क्योंकि हल्का हल्का बूंदें बारिश की गिर रही हैं इनके ऊपर, और ये सारे बहुत इंजॉय कर रहे हैं सारे बर्ड्स मेरे। और यहाँ पर बन रहा है हमारा सत्तू का शरबत, जो कि शक्कर और सत्तू से बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है। और साथ में हम लोग बनाने वाले हैं नगेट्स, और आज बारिश को अच्छे से इंजॉय करेंगे हम लोग। और दोस्तों फिर हम लोग रात में निकल गए थे, क्योंकि हमें थोड़ा सा अपनी ग्रॉसरी करनी थी, थोड़ा सा सामान लेना था, क्योंकि नए घर में आते हैं तो आपको पता है कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बस हम लोग अपना घर वर समेटने के बाद हम लोग निकल चुके थे, और कोई अच्छी सी ऐसी शॉप पे जा रहे थे जहाँ हर चीज़ मिले हमें। और बस हम लोग जा रहे थे गाने सुनते हुए, इंजॉय करते हुए। और ज़ुहेब दानिश बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनको बहुत पसंद है ट्रैवलिंग, अच्छा लग रहा था उन लोगों को। और आपको पता है इतना साफ़ सुथरा माशाल्लाह एरिया है, रोड देखें आप कितनी साफ़ सुथरी हैं। और बहुत ईजीली इस टाइम बन रहे थे यहाँ के 11:30-12 बज रहे थे तकरीबन, और हम लोग बड़े आराम से जा रहे थे। और हम लोग आ गए थे हातिम। हातिम बहुत बड़ा सुपर स्टोर है और यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। और मेरे कज़न्स ने बताया था मुझे कि शलभा जी जब भी कोई शॉपिंग करनी है तो आप इधर ही जाएगा। और बस हम लोग आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे। और देख सकते हैं यहाँ हर चीज़ मिलती है। और ज़ुहेब दानिश भी यहाँ पे घूम रहे थे बड़े खुश, और क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे स्टोर है। मुझे लेना था झाड़ू और वाइपर वगैरह लेना था यहाँ से, बस यहाँ से मैंने एक अच्छा सा झाड़ू लिया था और मैंने लिया था वाइपर। और जो तो आप देख सकते हैं दानिश ट्रॉली लेके घूम रहे थे हम लोगों के साथ साथ, और हम लोग यहाँ से चीज़ें देख रहे थे, जो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी वो हम लोग यहाँ से ले रहे थे। और बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आ गई थी साथ, मगर आपको पता है जहाँ घर होता है वहाँ पे कब किसी ना किसी कभी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो बस हम लोग इसीलिए निकले थे आज हम। और दोस्तों ये बहुत बड़ा सुपर स्टोर है, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, क्योंकि हम उसी जगह जाते हैं जहाँ हर चीज़ हमें मिल जाए और इधर उधर हमें नहीं जाना पड़े। और मुझे लेना था बर्तनों का रैक, और यहाँ पे जो था पड़ा हुआ बहुत बड़ा था, तो मुझे अपने हिसाब से लेना था, जिस जगह मुझे रखना था उसके हिसाब से लेना था मुझे। और बस मुझे पसंद नहीं आया था यहाँ पे ये, तो अभी मैं कहीं और देखूँगी यहाँ पे कि अगर कोई और मिल जाए तो फिर वो ले लूँगी मैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह हर ज़रूरत की चीज़ मिल रही है, हमें कहीं और जाने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को जो जो सामान लेना था वो ले लिया है। अब हम लोग आ चुके थे पेट्रोल पंप पे, जहाँ से इनके पापा को पेट्रोल डलवाना था, और इन्होंने गाड़ी के चारों व्हील्स की हवा यहाँ से चेक करवाई और फिर पेट्रोल डलवा लिया। और फिर बच्चों का कुछ मज़ेदार खाने का मूड हो रहा था, फिर पापा इनको यहाँ पर ले आए थे, और यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था घर पर जाके खाने के लिए, और हम लोग यहाँ वेटिंग पे बैठे हुए थे, और थोड़ी सी वेटिंग थी यहाँ, बहुत ज़्यादा वेटिंग नहीं करवाई इन्होंने। ये नया खुला है और बहुत खूबसूरत है और बहुत मज़ेदार जायका है का यहाँ का। और ये देखें आ चुका है हम लोगों का खाना, यहाँ से रोटियाँ वगैरह ली थी,
और जो बच्चों को खाना था वो मंगाया था मैंने। और दोस्तों इसके साथ ही आज का दिन होता है ख़त्म। मिलते हैं हम लोग कल इससे। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारी ढेरों दुआओं में याद रखिए। और दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।